नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं, जानते हैं पब्लिक से कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े? 1994 से। मैम कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, अपने परिवार से भी ज़्यादा पिताजी पर विश्वास करते। क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि उन्होंने मेरे को जिंदगी दी, इतने मेरे बड़े बड़े दुख उन्होंने काटे भी मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत खुशी दिखती पिताजी ने, जो मेरे घर मछली नहीं थी वो दिखती मेरे दाते ने, सबन देवे मेरे दाता जिस पर सू खुशी मिलती। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर? बहुत ज़्यादा आया बदलाव। पहले तो इंसानियत में जानते ही नहीं भी इंसानियत की होंगी है। पिताजी की रहमत नाल असं इतने इन्ने पहुँचे हाँ, भी दाते की रहमत है। जो सानू ए भी एक कदम चक्की वह भी सतगुर के कहन सुन तो चक्की, ऊँ चक्की ना भी इन्ना सानू विश्वास है अपने सतगुर से बहुत ज़्यादा। एक तरफ आपकी आस्था है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोपों की असं परवाह नहीं करते। साडा सतगुर पूरा है, वो वर्गा कोई हो नहीं सकता। चंद सूरज दाग हो सकता पर मेरे सतगुर च कोई दाग नहीं। उन्हों का व्यवहार किमें? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। अपने माँ प्यो ने इन्ना नहीं सिखाया अपन जिन्ना सतगुर ने सिखाया। हर एक बीमारी का संविधान दस के गए भी आ बीमारी तो आ करो, आ बीमारी तो आ करो। दंदा वास्ते दस के गए, जिमें सर्वाइकल तो दस के गए। हर एक चीज़ का अपन मतलब सानू तोड़ दस के गए, बेटा ये करोगे ऐ सौखे रहोगे, बेटा आ करोगे ऐ सौखे रहोगे। अपने माँ बाप ने भी नहीं दस्या सानू ये तोड़ भी तुम ऐ करो, क्योंकि शर्म आती थी। पिता जी ने बिल्कुल भी शर्म सारी मतलब ये सोचा भी तुम साडे बच्चे हो बेटी हो, असं तुम साढ़े असी विचार थोड़े साझे करते हैं। बेटा तू मनना थोड़ी मर्जी है, असी दसना भी सानू बहुत वधिया लगता है। तुम आश्रम च किन्नी बार गए हो? आश्रम च तो असं 94 तो मैं लगातार आ रही हूँ, हर 15 दिन बाद, कभी हफ्ते तो कभी 15 दिन तो महीना। तो हूँ लॉकडाउन के जरिए पै गए 2-3 महीने मतलब नहीं आए, वैसे कभी नहीं कद ना गए पे कभी भी। आश्रम च माहौल किमें? कुड़ियों लैके माहौल किमें? बहुत वधिया माहौल है। इतने देखो लोग अजकल घरें नहीं कोई छड़दा, दरबार है तो बहुत व्डा है ना, आप किसी का मूँह नहीं फड़ लाँगे है। तो बहुत वधिया माहौल है, जिन्या कुड़ियाँ इतने सेफ है बाहर कते हो नहीं सकदियाँ, कते भी नहीं हो सकदियाँ। इतने अपन बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है भी बच्चे किस तरह रहनगे। फिर जिहड़े टीवी च दिखाया जा रहा सी बेटियां दे उपर, बेटियां दी इज्जत नूं तार तार कीता जा रहा सी मीडिया द्वारा, उन्हां बारे मेरा झूठ है भी उस ते असीं नहीं कहांगे, क्योंकि मीडिया मीडिया दा काम है बदनाम करना है ना। अपनी सोच नूं आपां अपने तक लैके जाने, अपने सतगुर तक लैके जाने भी मेरा सतगुर पूरा है, उहदे वर्गा होर कोई हो नहीं सकता। उत्थे कलंक तां देखो किते नहीं लगदे आए, गुरु पीर फकीर ते सब ने मतलब अपनी अपनी परीक्षा दित्तियां, एडे एडे उच्च चोटी दे फकीर बने आए हैं, ते अपने तो सतगुर फिर पूरे हैं। कोई अपन कोई परवाह नहीं किसी की, कोई की कहता कुछ भी कही जाए, असं घरदे भी परवाह नहीं की। दो कड़ी ऐ हों जाना तो जाना है, सतगुर के दरबार जाना है, सतगुर के दर्शन करके आने हैं। सतगुर की थोड़ा लगता अज समाज में गुरु जी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, जरूरत का उन्होंने पता भी जरूर लगेगा, ये नहीं हो सकता ना लगे आने वाले टाइम च, क्योंकि पीर फकीर की धरती है। मांग करोगे सरकार? सरकार तो यही मांग करांगे भी साढ़े सतगुर पूरा है, उन्होंने छेती तो छेती रिहा किया जाए। जो आरोप है वह झूठे हैं, बेमुनियाद हैं, तो उन्होंने सच की तह तक जाके उन्होंने रिजल्ट कढ़िया जाए भी मेरा सतगुर पूरा है। वो निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने दाग नहीं होना चाहिए, ना ही है ना ही होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा साढ़े जुड़ने दोस्तों, लगातार थोड़ा गलबात दिखा रहे हैं उन्होंने लोगों जो डेरा सच्चा सौदा के नाल काफ़ी लंबे समय तक जुड़े। तुम्हें भी अपनी राय खुले दिमाग नाल कमेंट बॉक्स जरूर पाओ, देखते रहो द फैक्ट टाइम और सच्चा सौदा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो।